अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मेरा डेली रूटीन से रिलेटेड है, मेरी किचन से रिलेटेड है, मेरी शॉपिंग से रिलेटेड है। तो चलें आप एंजॉय करें मेरे साथ। मज़ेदार रायता, चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप और इसके साथ कुछ बच्चों के सैंडविचेस भी बन रहे हैं और मेरा मिठू भी पीछे से बोल रहा है। वाह जी वाह, बॉटल कितनी प्यारी है, जबरदस्त है ना, और स्मेल भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये एक आया है मेरा गिफ्ट परफ्यूम शनाइल, कोको शनाइल। इसको मैं खोलूंगी बाद में, आपको ना सारे परफ्यूम्स का एक व्लॉग दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो मुझे आज किचन में भी काम था और भी बहुत सारे काम थे। मुझे अपने बेटे हुसैन के स्कूल आना था, उसको स्कूल में चेंज कर रही थी तो मैं उसके विज़िट के लिए आई। वो ऑलरेडी सुबह स्कूल आ चुका था तो मैं इधर आई हूँ। मैं जब स्कूल आई हूँ तो फिर क्योंकि टाइम हुआ खड़ा था छुट्टी का, तो मैं हुसैन को साथ ही ले गई थी और वो बड़ा खुश हो गया था कि मामा मुझे लेने के लिए आ गए हैं। उसको लेके उसके साथ मैं ग्रोसरी के लिए चली गई। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जिस स्कूल में मैं हुसैन को अब करा रही हूँ ना, इस स्कूल में पहले मेरी बेटी भी पढ़ती थी, तो अब हुसैन को यहाँ कराया क्योंकि इनकी मुझे जो छोटी क्लासेस की पढ़ाई खोलो इधर से। अच्छा, ये नगेट्स हैं हुसैन के लिए, ले लेते हैं ना। ये पैक्स भी ठीक है जनाब। समोसे इसका उठाओ। हाँ ये ले ले। ओके जी, फाइनली घंटा लगा के हम लोगों की ये जो कुछ ग्रॉसरी कंप्लीट हुई, जो कि हम कुछ 10-15 डेज की इकट्ठी करते हैं, तो ये लिए, शैम्पू लिए एंड फिर कप्स वगैरह लिए और फिर हम घर के लिए चल पड़े। ये ले लेते, ये ले लेती हूँ। ओके गाइज, इसके बाद हम लोग ये क्रॉकरी वाली साइड पे आके, मुझे क्रॉकरी बहुत पसंद है, देखना भी पसंद है और लेना भी पसंद है। तो ये क्योंकि हमारी ग्रोसरी वाली शॉप है, यहाँ क्रॉकरी भी एक साइड पे होती है, हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ हम लोगों ने कप देखे, कोई घर के यूज़ के लिए नॉर्मल साइज़ के कप्स हमने ख़रीदे। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जो हुसैन है ना, जब भी मैं वीडियो के लिए कैमरा निकालती हूँ तो वो मेरे से पहले ही बोलना शुरू कर देता है। तो उसको मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस डिवेलप हुआ है उसका, जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू की हैं कि मैंने बोलना है। और हम यहाँ पे आए हैं रहमान खालिक फिश टेरा पे और हम फिश ले रहे हैं। इसको हम कटिंग हो चुकी है फिश की और तलाई हम लोग घर में फ्रेश करेंगे, इसकी तलाई यहाँ से नहीं करवाएंगे। घर जाते तक उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है। पहले मैंने बताया कि हम कहाँ हैं और अब बताएंगे हुसैन आलम। हुसैन आलम, हमें शहर में खड़े हुए हैं, पापा फिश पका रहे हैं और ये फ्रॉम भी आया हुआ है शायद, इसके अंदर स्प्रे नहीं है वरना कर सकते अगर होगा तो। नहीं नहीं, परफ्यूम की बात मत बताओ, फिश की बात बताओ। फिश अभी कटिंग हो रही है, घोलने अब घुमाने और फिर इसको यहाँ लाने। ओके जी, और मैंने सोचा मैं आपको फ़िश की कटिंग भी दिखा दूँ। ये देखें, जो हम लोग फ़िश लेते हैं ना, उसको वो इस तरह से ऊपर से उसकी ये उतार देते हैं, चमड़ी वगैरह, एक तो छिलका उतरता है ना। ये हम लोगों ने ली थी रहू, दरियाई फ़िश ली थी, तो उसको उन्होंने इस तरह हमें इसका छिलका उतार के और इसको मसाला लगा के, कुछ स्पेशल ग्रीन मसाला था जो सब्ज़ मिर्चों से तैयार होता है, जो हर बंदे को वो नहीं लगा के देते, उन्होंने हमें वो लगा के दिया था और फिर इसको हमने घर जा के तैयार किया था। करके आ गई हूँ, ये सारा सामान हमारा आया पड़ा है, अभी शॉपरों में है। इसको मैं सेव करूँगी क्योंकि इकट्ठा ही तकरीबन लेती हूँ 15 डेज़ का, और ये ऑयल वगैरह सब आया पड़ा है। और जी, तो अब मैं घर की ग्रॉसरी करके आ गई हूँ और
उसमें ये है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो घर में ख़त्म थी, उनका लेना बहुत ज़रूरी था। ये देखें, ये और ये ऑलिव्स, और ये कॉफ़ी आजकल बड़ी ज़रूरी है ठंड में, और टोमेटो केचप, ये केचप भी ज़रूरी है, बच्चों के नूडल्स, और ये हम लोगों ने ये लिया है रैप के लिए। और इसका ये है कि लास्ट टाइम हमने बनाया था तो हमने खुद घर में बनाया था, अब मैंने सोचा थोड़ा इजी कर लेते हैं, ये हम बनाएंगे, लेकिन ये बने बनाए हम ले लिए। और ये लिए हैं कप्स, ये घर के लिए कुछ कप्स वगैरह हमने लिए हैं, ये देखें, ये लिए हैं मतलब कप टूट जाते हैं हमारे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि ये कप का डिज़ाइन है। और साथ में ना ये वाली कॉफ़ी मैंने बनाई है, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है, तो इस ये कॉफ़ी के कुछ पैकेट्स में और ले आई, क्योंकि ये बनाना बहुत इजी होता है, टेस्टी भी बहुत बनती है ये, तो ये मैं कुछ और चटपटा फैमिली पैक नूडल्स, ये और भी पड़े हैं वहाँ सामान के अंदर, लेकिन अभी मैंने ये निकाले हैं यहाँ सामने रखने के लिए, ये भी इसी में रखेंगे। हाँ ये सही है, वो खाली है, इसलिए बची हुई ग्रीन टी पड़ी है वहाँ, और ग्रीन टी भी आई पड़ी, वो भी यहीं रख दो। ओके गाइस, तो ये जो फिश मैंने आपको दिखाई थी हम लोग ले आए थे, अब इसको मैं फ्राई करूंगी और फिर इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। इन ये जो मैं जिन फिश वालों का आपको बताया है, ये बहुत अच्छा मसाला लगाते हैं, आपको घर आके लगाने की जरूरत नहीं होती। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम लोग फिश ऐड करेंगे वन बाय वन। गाइस, तो हम भी फिश फ्राई कर रहे हैं, इसको पहले हाफ फ्राई करेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसको हमें क्या करना है, और फिर फाइनली हम इसको ये सारी मैंने हाफ फ्राई कर ली है। अब इसके ऊपर मैं ये देखें, इस तरह आप लोग भी ना एक और लेके और ये इस तरह इसके ऊपर रख, तो इस तरह प्रेस करने से ये होता है कि ये अच्छी तरह से बाद में बड़ी अच्छी पक जाती है और क्रिस्पी बनती है, तो ये आपने ज़रूर करना है। अब मैंने इसको दोबारा से फ्राई होने के लिए डाल दिया है, पहले हाफ फ्राई किया था, अब दोबारा से ये फ्राई हो रही है, और फिर मैं अब इसकी आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ओके गाइस, फाइनली तो अब मैं ये ब्लॉग एंड करने लगी हूँ, तो आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग आप ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या क्या देखना चाहते हैं आप हम, और क्या करें अपने ब्लॉग्स को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, वो भी आप हमें सजेशंस दें, क्योंकि हमने ज़ाहिर है न्यू स्टार्ट किया है, तो अभी हमें तो आपकी पसंद का नहीं पता। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।